पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की यूथ विंग का प्रदर्शन देखने को मिला। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। परीक्षाएं स्थगित करने की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। हजरतगंज पहुंचे आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ता। कोरोना के बीच परीक्षा का विरोध, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के नाम का दिया ज्ञापन। यूथ विंग कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को ज्ञापन सौंपा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी के यूथ विंग का ये प्रदर्शन देखने को मिला। सचिन तिवारी हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन, आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया है और विपक्ष लगातार ये विरोध कर रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी अब कूद गई है, क्या कहेंगे? जी ना, मैं बताना चाहूंगा कि नीट और जेईई की परीक्षा सितंबर 6 और 12 को प्रस्तावित है। जाहिर सी बात है कि कोरोना का संक्रमण लगातार देश और प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर की आप पार्टी के यूथ विंग ने आज विरोध दर्ज किया। बता दें कि आप पार्टी ने इससे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री में भी लेटर लिखा था, लेकिन इस पे कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ, जिसको लेकर कि आम आदमी पार्टी ने आज लखनऊ के हसरतगंज में विरोध दर्ज किया और डीसीपी सोमेन वर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। जी ना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया सचिन आपका।